नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जिन पर गठबंधन की तीनों सीटें अपना अपना दावा कर रही हैं। इस बीच विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच तकरार की बात सामने आई है। दोनों दलों के बीच 20 से 25 सीटों पर मतभेद हैं, जिसमें विदर्भ की सीटों पर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है और सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना, ठाकरे गुट और कांग्रेस के पास है। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि लोकसभा में अमरावती और रामटेक सीटें कांग्रेस के लिए उन्होंने छोड़ी थी, इसलिए विदर्भ में 4 से 5 सीटें शिवसेना यूबीटी को मिलनी चाहिए। ठाकरे गुट का कहना है कि विदर्भ में उनकी पार्टी बढ़ाने के लिए वहां लड़ना जरूरी है। जल्द निपटे सीट शेयरिंग का मामला उद्धव गुट। वहीं कांग्रेस नेताओं ने महाविकास अघाड़ी में खाली सीटों की लिस्ट हाईकमान को भेजी है। इसके अलावा उद्धव गुट ने कांग्रेस हाईकमान से चर्चा की है कि शिवसेना यूबीटी का कहना है कि चुनाव प्रचार के लिए समय कम है, इसलिए खाली सीटों का मुद्दा तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। इस बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा, मैंने सुबह मुकुल वासनिक से बात की है, आज मैं राहुल गांधी से भी बात करूंगा और सीट बंटवारे को लेकर लंबित फैसले में तेजी लाई जाएगी। कई सीटों पर फैसले हो चुके हैं, कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर फैसला नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी पीडब्ल्यूडी में भी है। संजय राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के ज्यादातर नेता फैसला लेने में सक्षम नहीं है, उन्हें बार बार सूची दिल्ली भेजनी पड़ती है। अब समय निकल चुका है, हम चाहते हैं कि यह फैसला जल्द से जल्द हो। एनसीपी और शिवसेना के बीच कोई बड़ा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर तीनों पार्टियां दावा करती हैं। महाराष्ट्र में नाना पटोले हमारे सहयोगी हैं, लेकिन कुछ सीटों पर समस्या है, इसे सुलझा लिया जाएगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।